हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं शक्ति मोहन के फर्स्ट ऑडिशन और उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को। शक्ति मोहन ने अपना पहला ऑडिशन DID सीजन 2 में दिया था और ये उस शो की विनर भी रह चुकी हैं। शक्ति मोहन टैलेंट शो की स्टूडेंट रह चुकी हैं और बहुत कुछ चैनलों से सीखा है उन्होंने। बहुत मेहनत करने के बाद ये उस शो की विनर रही थी। इसके बाद जो इनको मेम फेम मिला वो मिला डांस प्लस में, जब इन्होंने एज अ जज वर्क किया। इसके बाद तो इनकी पॉपुलरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। शक्ति मोहन TV शोज का वो नाम है जिसे आज हर कोई जानता है। शक्ति मोहन की कड़ी मेहनत की बदौलत आज वो इस मुकाम पर हैं। एक टाइम पे ऐसा था जब डॉक्टर ने उन्हें चलने तक के लिए मना कर दिया था और उनसे बोल दिया था कि आप कभी चल नहीं सकते। शक्ति मोहन ने इन सब की फिक्र ना करते हुए चलना तो छोड़िए, डांस कैसे करना है वो सबको सिखाया। उन्होंने हार नहीं मानी और हार ना मानना ही उनका आज इस सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। शक्ति मोहन को आप एज अ जज अगर जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों को कोरियोग्राफ भी किया है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किया है, जिसमें अगर आप जानते होंगे तो नैनो वाले सॉन्ग को भी शक्ति मोहन ने कोरियोग्राफ किया है। कमली सॉन्ग जो बहुत ज्यादा एक टाइम पर ट्रेंड था, बहुत सी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उसको, सॉन्ग को भी शक्ति मोहन ने ही कोरियोग्राफ किया है। आरे प्रीतम प्यारे ये सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा एक टाइम पे फेमस था, इसको भी शक्ति मोहन ने कोरियोग्राफ किया है। इसी तरह की शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप इस तरह की लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में पूरा डिटेल में बताऊं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बना दूंगा। वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से मैंने अभी तक ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं उस तरह की वीडियो भी बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।